समीर भाई ना हर टाइम सोते रहते सोते रहते। भाई समीर भाई, समीर भाई कौन है बे? उठो ना भाई, सोने दे मेरे को, दिमाग मत खराब कर। फिर सो गया? तुम्हारा कैसे रहे मेरे को? भाई, तुम सो रहे थे बार बार, मैं सोचा एक लगा के दू, उठ जाएंगे। अच्छा था, सपना देख रहा था, तू भी ना यार, जब से गांव से आया ना, कितना सोएंगे यार। जब से गांव से आया हो भाई, सोते ही हुए मिलते हो तुम। वीडियो कब डाल रहे हो? वीडियो नहीं डाल रहे, यूट्यूब करते हो यार, वीडियो नहीं डालते हो यार। तूने चश्मा कब लिया रे? चश्मा? वैसे भी तेरे पे चश्मा शूट नहीं कर रहा है, ला बता। नहीं भाई प्लीज यार। अच्छा चल, मैं तेरे को रिटर्न दे रहा हूँ, ला। ठीक है ले लो। कैसा लग रहा है? एक नंबर ना। एक हफ्ता हो गया मेरे को गांव से आने के बाद, अभी तक कहीं पे भी घुमाने नहीं लेके गए। घुमाने लेके जाऊंगा, पक्का लेके जाऊंगा। इतना पीछे मत बढ़ ठीक है? अगर मेरे सनक गए ना, तेरे को वापस भेज दूंगा। कूल कूल, एकदम कूल। सब काम होता है कूल रहने का। तो वीडियो भी नहीं डाल रहा यार। वीडियो आएगा, जरूर आएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए एक अच्छा सा कैमरा ठीक है। मोबाइल से नहीं होता है, मोबाइल से डिस्टर्बेंस आते हैं, मोबाइल में बहुत सारी दिक्कतें होती है। जब मैं ब्लॉक करता हूँ, जब मैं कुछ करने जाता हूँ, तो SMS कॉल्स सारी चीज़ आती है, डिस्टर्ब करती है, और ऊपर से बैटरी बैकअप नहीं मिलता। तो मुझे चाहिए एक ब्लॉगिंग कैमरा जिसकी एक्स्ट्रा बैटरी हो, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो। तुझे कुछ पता है तो बता यार। कैमरा सजेस्ट करो ना भाई। तो सबसे अच्छा कैमरा कैनन का ही है। कैनन का? मुझे तो लगता है कैनन का ही कैमरा सबसे अच्छा है। कैनन का कैमरा अच्छा है, तुम देखो जो अच्छा लगे। देखते हैं, चलते हैं पहले कैमरा की शॉप पे, उसके बाद देखते हैं कौन सा कैमरा अच्छा है। चलो। ये कैमरे के बारे में बात कर रहा था ना, एक नंबर कैमरा भाई। मेरे को दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई। अबे संभाल बे, नया। अबे संभाल, ओपन नहीं करना ठीक है? ओपन नहीं कर रहा हूँ भाई। इसका अनबॉक्सिंग करने का ब्रो। ये बॉक्स का अनबॉक्सिंग करोगे? ये है बॉक्स, इसका होगा अनबॉक्सिंग। तुझे पता नहीं यूट्यूब में? अच्छा, तो यूट्यूब में जो भी बॉक्स उसका अनबॉक्सिंग, तो जहाँ पे बॉक्स वहाँ अनबॉक्सिंग, यूट्यूब में यही चलता है? क्या बात है। ला कैमरा रिटर्न दे, संभालो अपना कैमरा। तो ये है मेरा न्यू कैमरा, जिसे मैंने काफ़ी टाइम से इसका वेट किया था मैंने, कि सोचा था कि हाँ जल्द से जल्द मिल जाए, बट काफ़ी लेट मिला, लेट आए दुरुस्त आए। इसे देखते हैं इसके अंदर क्या है। बात करूँ इसके प्राइस के बारे में, तो मुझे तो काफ़ी सस्ता मिला, क्योंकि हमने दो परचेस किया, इसके लिए हमें काफ़ी प्राइस कम में हमें मिल गया। और जो हमारे जिमी भाई है, ये कैमरा मैंने जिमी भाई से लिया। अगर आपको लेना है ये, लगभग 39,000 तक आपको पड़ेगा। जिमी भाई से सस्ता आपको कोई नहीं देगा इंडिया में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये रहा बॉक्स ओपन, इसके साथ में हम लोग को मिलता है गेटिंग स्टार्टेड। इससे आप इसे पढ़ के आप इजीली अपने कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ में वारंटी कार्ड मिलता है और मिलता है ये है बैटरी चार्जर, एक्स्ट्रा बैटरी इस पर चार्ज कर सकते हैं और एक बैटरी फुल करके लेके जा सकते हैं। बट इस कैमरा के साथ में आपको एक ही बैटरी मिलता है, वो है ये। इसे आप इजी से इसको लगा के, इसका प्लग वायर ये है, इसका प्लग वायर एक मीटर तक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए और इसके साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 16GB कार्ड इनसाइड। तो ये है इसका 16GB कार्ड और टन टन ये है हमारा कैमरा। इसकी ख़ास बात, आप इसे ब्लॉगिंग करते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी पतला है। बैटरी यहाँ पे डाल सकते हैं आप, बैटरी हमारी है यहाँ पे, इसे डालते हैं। मेमोरी कार्ड भी डालते हैं इसके अंदर। मेमोरी कार्ड के लिए भी वही जगह है। तो हमारा कैमरा ऑन करते हैं, पावर ऑन। ये हमारा कैमरा, बाकी तो सब बढ़िया है। स्टेबलाइजर जो है इसका बहुत ही बढ़िया है। इस कैमरे में आप स्क्रीन टच भी कर सकते हैं, टच स्क्रीन है इसका जो इजी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। कितना 39,000 का है ये कैमरा। अगर गिर जाएगा तो पैसा कौन देगा? तेरे भाई के लगे हैं वांदे। अरे काम नहीं चल रहा है, उसी लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, फिर ऊपर से काम नहीं हो रहा है, तो वो सारी दिक्कत की वजह से यार वीडियो नहीं आ रहे मेरे। अब आ गया है कैमरा, एक से एक फाड़ू वीडियो आने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुसु करने जा, आना नहीं वापिस तो मैं बात किससे करूँगा? आप लोगों से करूँगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल समीर। फाइनली मैंने परचेस किया कैनन पावर शॉट G7X Mark II। ये मुझे पड़ा 39,000 का और ये है 20 मेगापिक्सल। इसके साथ में मुझे मिला है 16GB कार्ड इनसाइड। और इसकी खासियत मैं बता दूँ, ये कैमरा काफ़ी ब्लॉगर यूज़ करते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी इसको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है, इन इंडिया भी काफ़ी रिस्पांस मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतना अच्छा कैमरा इतने कम बजट में मिल रहा है तो मैं भी ले लूँ। ये लेने का रीज़न था मेरा कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, फ़ोन में है, तो वही मैं बताया था आपको, डिस्टर्ब होता है, वो सारी चीज़ होती है, दिक्कतें आती है, तो उसके लिए मुझे ये कैमरा लेना बहुत ज़रूरी था और फाइनली मैं ले लिया हूँ। तो कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो कमेंट के थ्रू बताना। बीच में काफ़ी दिक्कतें आई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया, बट अब आएंगे वीडियो कूल समीर के चैनल पे। बहुत ही फाड़ू फाड़ू वीडियो आने वाले हैं और इस कैमरे के बारे में और क्या बताऊं। तो आने वाले वीडियो जितने भी रहेंगे इसी कैमरे से शूट करूंगा और आपको पता चल जाएगा इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। अपने बाबा भाई भी यही यूज़ कर रहे, यही कैमरा उनके पास है, मैंने देखा था। बाबा भाई को नहीं जानते आप? बाबा भाई को नहीं जानते? बाबाज व्लॉग बंटा है बच्ची बाबा है, वो बाबा भी यही यूज़ करते हैं, उनके भी वीडियो एकदम फाड़ू फाड़ू आते हैं क्वालिटी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बात रही मेरे दूसरे कैरेक्टर की, तो मैंने उसका नाम डिसाइड नहीं किया है, अगर आपको कोई नाम सजेस्ट होता है तो ज़रूर उसके लिए बताइएगा। आने वाले वीडियो में वो मेरे साथ होगा, वो दोस्त का क्या काम है वो आपको पता चल जाएगा आने वाले वीडियो में। तो
आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि उस कैरेक्टर का नाम ये होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा होगा, उसको ये नाम से बुलाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप ब्लॉगिंग कैमरा देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि G7X Mark II एकदम बेस्ट है ब्लॉगिंग कैमरा के लिए। लाइट वेट, कैमरा क्वालिटी, वाइड एंगल सब आपको इसके अंदर मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।